दोनों टीमों के खिलाड़ी लाइनअप हो जाइए प्लीज। गुजारिश की जल्दी से जल्दी ग्राउंड में आए। आपको बताते चले चलिए इस मैच की शुरुआत होने वाली है करेंगे और उसके बाद इस मैच की विधिवत शुरुआत होगी। आपको बताते चले कि इस फाइनल मैच में हरियाणा क्रिकेट अकादमी डासा बॉर्डर और विकी 11 पठानकोट पहुंचे हैं काफी कड़े लीग कर्नाटक सिस्टम के माध्यम से। आज की प्लेइंग 11 जो हरियाणा क्रिकेट अकादमी डासा बॉर्डर की है, हितेश जर्मनी, रौनक दबास, जसमीत नैन, विवेक, अमन, जतिन, शुभम, विपिन, अशोक, रमन गोड़ा, अंकित चौधरी, कृष्ण, इलेवंथ खिलाड़ी है जुनैद काजी, इट्स हेड। और आपको बताते चले कि आज का ये फाइनल 11वें पुलिस शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का जिला के स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में हरियाणा क्रिकेट अकादमी 11 ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ठीक 5 मिनट के बाद इस मैच की शुरुआत होगी। सेमीफाइनल में हरियाणा क्रिकेट अकादमी 11 ने एलबी शास्त्री दिल्ली को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल पहुंचे थे। इस तरह से कड़े संघर्ष के बाद दोनों टीमें आज आपके समक्ष फाइनल के बीच फाइनल मैच और हमारे जितने भावभीनी श्रद्धांजलि इस मैच का आनंद उठाए और हरियाणा क्रिकेट अकादमी के बल्लेबाज ग्राउंड में चले। अंपायरों से भी मेरा निवेदन है कि ग्राउंड में चले और विकी 11 पठानकोट के फील्डर्स भी ग्राउंड में आ जाए ताकि मैच को और आप तक जो साउंड की सुविधाएं दी जा रही हैं उसके लिए ऋषि डीजे एंड साउंड सिस्टम कठुआ धन्यवाद करता हूं। आप सभी शूट से बनाने के लिए धर्मवीर सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी और बल्लेबाज भी ग्राउंड के अंदर जाते हुए 12th मैन भेजे हरियाणा क्रिकेट अकेडमी के 12th मैन इधर आ जाए। टैग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलता हुआ 31वां मैच इस टूर्नामेंट का पहले 6 ओवर पावर प्ले के रूप में रहेंगे और देखना है कि इस पावर प्ले का किस तरीके से उपयोग करते दोनों सलामी बल्लेबाज। शुरुआत होती हुई और हल्के हाथों से खेल दिया, ये मिस फील्ड आता हुआ दूसरे के लिए भी भागेंगे, बाउंड्री जाती है, फील्डर पीछे आता है। ऐसे नहीं लगते तो निश्चित रूप से ये अपील जरूर होती लेकिन फोर द विकेट के लिए, लेकिन भाग्यशाली मजा आता हुआ पहली गेंद से वो तो बच्चे भी ग्राउंड के अंदर आते हुए और इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे कि नेशनल खिलाड़ी रहे हैं और इस बार ये अपील तो थी लेकिन विश्वास की कमी थी, नकारा इसको अंपायर जितेंद्र ने। अब बल्लेबाजी का फैसला किया, 4 रन बिल्कुल ने पहली गेंद पर बनाया, एक बार फिर सुरेंद्र और इस बार उठा दिया है पूरा मौका, 6 रन सुरेंद्र और पूरे मोड में आज विफल। देखिए एक छक्के से धूप निकल आई है आगे कप्तान राहुल शर्मा विकी 11 पठानकोट के विचार विमर्श करते फाइनल में हारे हैं और इस बार कट करना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में कर्षण बैकफुट पर जाकर गेंद को धकेला बड़ा पर कोई रन नहीं और इस बार भी अच्छी गेंद सीधी गेंद थी क्लाइंग सारे गेंद को स्मिथ और इस बार भी दोबारा से अच्छी गेंदबाजी धकेल रहे बल्लेबाज को बैकफुट पर जाने के लिए। यही फॉर्मेट में जब कोई बहुत गेंदें निकलती हैं तो एक अच्छा
मनोबल जो है वो गेंदबाज का बढ़ता है 5 डॉट और ये बैटमिट पर जा। रौनक जी बताएं आप, अभी आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है, आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि कितना स्कोर होगा तो जीत सकते हैं? इससे पहले आप कभी फाइनल में पहुंचे हैं कठुआ? जी हम 2 बार फाइनल। एक बल्लेबाज को जरूर देखना है, दूसरी शॉट पर बोतल ने पहले ओवर में चौका और छक्का लगाकर अपने इरादे। कितना स्कोर की उम्मीद रखते हैं आप? एनीवेयर अराउंड 120-130। बॉलिंग के लिए कोई चेंज, नया प्लेयर कोई रखा? जी नहीं, एक चेंज है, अमन सर आउट हो गया, उसके अलावा सेम टीम से कर रहे हैं। तो बॉलिंग की तरफ से क्या स्ट्रेटजी रहेगी? विकेट ये थोड़ा कम यूज होता है, उस हिसाब से थोड़ा सा टर्न हमेशा मिलता है स्पिनर्स को, तो हमने थोड़ा सा स्पिनर्स पे ज़्यादा फोकस किया। थैंक यू।